ये मैं हूँ, ये हमारी शादी हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है कैपकट एप्लीकेशन की, अगर आपको ऐसा ही वीडियो बनाना है तो कैपकट ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इसका एपीके डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे कैपकट को डाउनलोड किया जाता है। ओके, और अगर आप जानते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो देखने की। ओके, एंड ये भी मैं पहले ही आपको बता दूं कि कैपकट में कोई भी एडिटिंग करने से पहले हमें एक VPN चाहिए होता है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि किस तरह से आपको VPN का यूज़ करना है, एंड अगर आप उसे बैकग्राउंड में ऑन रखेंगे तभी जाकर आपके कैपकट में एनिमेशंस या इफ़ेक्ट्स वगैरह वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अपना कैपकट ओपन करते हैं और जानते हैं इस वीडियो को आप कैसे एडिट करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको केवल 6 फ़ोटोज़ की ज़रूरत है, एंड फ़ोटो लेने के लिए आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। और ये बात आप जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए आपको किस टाइप की फ़ोटो चाहिए। आपकी शादी के फ़ोटो हैं तो वो चाहिए, अपना एक सिंगल चाहिए और अपने दूल्हे का सिंगल चाहिए, एंड उसके बाद 4 फ़ोटोज़ आपको अपने जोड़े के चाहिए। ओके, यानी कि दोनों साथ में होने चाहिए। तो इस टाइप का ये वीडियो है, एंड न्यू प्रोजेक्ट पे जाकर आपको फ़ोटोज़ ले लेने हैं। सो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 6 फ़ोटो लेने हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट चेंज करना है फ़ोटोज़ का। फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है एंड 9:16 की रेशियो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको पैक कर लेना है। पैक करने के बाद आप फ़ोटो को देख लें स्क्रीन पर अच्छे से एडजस्ट हैं या नहीं। तो हमारे जो फ़ोटो हैं स्क्रीन पर सही से एडजस्ट नहीं है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है फ़ोटो के ऊपर एंड इस तरह से जूम इन करना है। ओके, एंड इसी तरह से मैं सारे फ़ोटो को कर लेती हूँ। ओके, इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है फ़ोटो को। यहाँ लास्ट में आपको कैपकट का वाटरमार्क मिलता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड इसको डिलीट कर लेना है। ओके, ये हमारी वीडियो में ऐड हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले म्यूज़िक ऐड करेंगे। म्यूज़िक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर आपको म्यूज़िक का वीडियो डाउनलोड करना है, देन यहाँ से ऑडियो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वीडियो से। ओके, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ ऐड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्शन मिलता है आपको एक्सट्रैक्टेड का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप वो वीडियो ले लेंगे एंड यहाँ से इम्पोर्ट साउंड ओनली कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो सॉन्ग है यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब दोस्तों, इस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग हमने अपने फ़ोटो को ट्रिम करना है। तो चलिए मैं फ़ोटोज़ को ट्रिम कर लेती हूँ, देन आपको ड्यूरेशंस बताती हूँ कि आपको अपने फ़ोटो की ड्यूरेशन क्या रखनी है। ओके, ओके, तो दोस्तों मैं ड्यूरेशन सेट कर चुकी हूँ। आपको बता दूँ कि कैसे आपको ड्यूरेशन रखनी है, तो बहुत ही सिंपल सी ड्यूरेशन है। आपको सारी फ़ोटो की ड्यूरेशन सेम रखनी है 1.5 सेकेंड। ओके, तो अगर आप 1.5 सेकंड की ड्यूरेशन रखेंगे आपका वीडियो परफेक्ट बनेगा। अब आपको क्या करना है, हर फोटो पे एनिमेशन यूज़ करना है। तो कौन सा एनिमेशन आप यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है, अपना VPN आपको ऑन रखना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि एनिमेशन तभी वर्क करता है जब आपका VPN ऑन हो। ओके, तो बैकग्राउंड में आपका VPN ऑन होना चाहिए। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं VPN कनेक्टेड, तो ये आपका होना चाहिए। ओके, अब यहाँ फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट फ़ोटो में लगाना है इन एनिमेशन फर्स्ट वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा जूम टू का, आपको जूम टू के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको फुल करना है ड्यूरेशन। ओके, 1.5 सेकंड के लिए एंड यहाँ से क्लिक कर लें। ओके, सेकंड फ़ोटो पे भी आपको सेम करना है, एनिमेशन सेम अप्लाई करेंगे, इन पे जाएंगे एंड जूम टू अप्लाई कर लेंगे। ओके, इसको फुल कर लेंगे, यहाँ से क्लिक कर लेंगे, फुल करेंगे और टिक कर लेंगे।
देन यहाँ पर थर्ड फोटो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉम्बो, ओके, थर्ड वाला एनिमेशन कॉम्बो यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लेंगे पेंडुलम, तो पेंडुलम पे क्लिक करेंगे, फुल है एंड टिक करेंगे, ओके। फुल ड्यूरेशन रखनी है आपको सब की। अगेन हमें इस पर एनिमेशन कॉम्बो पे, अगेन हमें कॉम्बो ही यूज़ करना है एंड पेंडुलम टू यूज़ करना है। तो अब बाकी के जो चार फोटो हैं उनमें पेंडुलम वन और पेंडुलम टू लगाना है। पेंडुलम वन हम अप्लाई कर चुके हैं, अभी टू अप्लाई करना है एंड टिक करना है। अगेन हमें इस पर पेंडुलम वन यूज़ करना है, टिक करना है। लास्ट फोटो एनिमेशन कॉम्बो एंड पेंडुलम टू, यहाँ से टिक कर लें। हमारा जो वीडियो है वो रेडी हो चुका है। मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देती हूँ, बट म्यूज़िक मैं आपको यहाँ पर सुना नहीं सकती। और मैं आपको बता दूँ कि म्यूज़िक के साथ मैं वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर लेती हूँ, आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर वीडियो प्ले करते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा इसी तरह का वीडियो इंस्टाग्राम पे। तो वीडियो हमारा रेडी है, अब आपको क्या करना है, यहाँ फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है वीडियो को सेव करने के लिए, एंड यहाँ से वीडियो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। देन आपको यहाँ से डन कर लेना है एंड वीडियो आपका सेव हो गया। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, एंड अगर आप चाहते हैं इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।